प्रायः यह सुनने में आ रहा है और सूचनाएं भी मिल रही हैं कि एक बाइक पर सवार दो नए लड़कों के द्वारा या तो मोबाइल स्नैचिंग की जा रही है, कई बार चेन स्नैचिंग की भी घटनाएं सामने आई हैं। इसमें नई उम्र के लड़के 18 साल, 19 साल, 20 साल, कई बार कुछ नाबालिग भी इस घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। ऐसे मामलों में अमूमन पुलिस 392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लड़के पकड़े जाते हैं, मोबाइल या चेन बरामद होती है, उसके बाद नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट या गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी इन पे कार्रवाइयां की जाती हैं। पूछताछ में बात सामने आती है कि कई दफा अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए, उसके लिए और अपने लिए महंगे कपड़े, जूते इत्यादि लेने के लिए नई उम्र के लड़कों के द्वारा मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की घटनाएं कारित की जा रही हैं। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, तो पता चलता है कि उन्होंने पहली बार ये घटना कारित की है। उनके माता पिता आते हैं, कहते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब कोई अपराध घटित होता है तो उसमें माफ़ी के लिए कोई कालम नहीं है। मुकदमा दर्ज होगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रक्रिया में नई उम्र के लड़कों का भविष्य खराब हो जाता है। भविष्य में उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लिए पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होगी, कोई ठेकेदारी करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, असलहे का लाइसेंस नहीं मिलेगा, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, साथ ही साथ परिवार की बेइज्जती भी होती है। इसलिए नई उम्र के लड़कों को आगाह किया जाता है, उनसे अपील भी की जाती है कि इस तरह से अवैध गतिविधियों से परहेज करें, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे संस्कारों से अपने घर में रहें। मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग करेंगे, बाइक से सड़कों पर स्टंट करेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी, जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे और उनके माता पिता होंगे।